हेलो फ्रेंड्स बात करेंगे विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड की इस शेयर का नाम एम पी एस लिमिटेड भी है फ्रेंड्स कंपनी बिजनेस करती है इनटू आईटी सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स आईटी टी इनेबल्ड सर्विसेज टेलीकोम्युनिकेशन फ्रेंड्स जानेंगे कि इस शेयर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ क्या है आपको डॉक्यूमेंट भी शो करके बताऊंगी सो so दैट आप क्लियरली समझ सकें कि क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कंपनी ने फ्रेंड्स एक पेनी स्टॉक है जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उन्हें भी रुकना है फ्रेंड्स अगर रिजल्ट अच्छा आता है तभी आप एंट्री लीजिए मार्केट कैप है थ्री करोड़ का करंट प्राइस है जीरो तो फ्रेंड्स वन से भी नीचे का पेनी स्टॉक है बट आर भी नेगेटिव में है और आर भी नेगेटिव में है जो एक नेगेटिव पॉइंट है अब जानेंगे कि सब कुछ अब डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि रिजल्ट कैसा आता है क्यू मार्च क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आता है तो इसी से रिलेटेड ही ऑफिशियल स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं सो दैट क्लियरली आपको समझा सकूं कि कंपनी ने क्या मेंशन किया है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर क्यू फॉर रिजल्ट सो इसे ओपन कर लेते हैं एंड फ्रेंड्स देखते हैं कि कंपनी इसमें क्या क्या अनाउंस कर सकती है बिकॉज फ्रेंड्स बहुत ही छोटा पे, पैनी स्टॉक है तो आपको हमेशा अपने रिस्क फैक्टर को कंसिडर करके ही अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है तो फ्रेंड्स आप नाम देख सकते हैं एम पी एस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड अब जानते हैं कि कंपनी ने अनाउंस क्या किया है कंपनी का रिजल्ट किस दिन आ सकता है तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि कंपनी का रिजल्ट आ सकता है थर्टियथ मई को तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स मैंशन है कि जो रिजल्ट आएगा वो आएगा थर्टियथ मई को एट फाइव पी एम सो फ्रेंड थर्टिएथ मई को है मंडे थर्टियथ मई एट फाइव पी पे रिज़ल्ट आ सकता है बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा बिकॉज जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही वीडियो के थ्रू ज़रूर बताऊंगी एंड फ्रेंड्स में जो मेंशन है उसका मैं आपको समरी बता देती हूँ वो ये मेंशन है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग की विंडो है वो क्लोज रहेगी आप सबको पता है जब रिजल्ट आने वाला होता है तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्लोज होती है सो सेकेंड पैराग्राफ में ये मैंशन है फर्स्ट पैराग्राफ में मैंशन है कि थर्टीएथ मई थ्री मई मंडे को रिजल्ट आ सकता है तो फ्रेंड्स बेल बटन प्रेस करना मत भूलेगा डेफिनेटली वीडियो के थ्रू जरूर बताने वाली हूं एंड थैंक यू सो मच